बार साथ कराम और मेरे बहुत ही अच्छे नात निगार साथियों, इन चार पांच फिक्रों के अलावा ये जो अभी इधर से पता हुई है, बाकी तमाम मजलिस बड़ी अच्छी जा रही है और बहुत ही खूबसूरत है। ये जो तारिक हाशमी साहब ने बचा कहा है कि ऐसी रिश्ते हमारी यूनिवर्सिटियों में भी और बड़े कॉलेजों में भी नहीं है, और इसकी वजह वही शाइस्तगी और वही सलीकी की है जिससे इसको अरेंज किया गया, बनाया गया। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इसमें जो नातें पढ़ी गई हैं वो मामूल से हट के हैं, वो एक इल्मी अंदाज की नातें हैं और ख़ास तौर पर नात वो शायरों में लिखी गई हैं, और जिस मोहब्बत से तालिबात ने उन्हें सुना वो भी उनकी रूहानी बाजी की बात है। बहुत कम ऐसी रिश्तें हुई हैं इसका एक साइजेबल होना, बहुत फैली हुई नहीं है, मुख्तर वक्त में है और सबने बड़ी तोजो के साथ पढ़ा, क्या कलाम पढ़ा। जहाँ तक हमारे शहर की बात है, बिलाशुबा ये शहर नात है जिसमें हमारे हाफिज़ लुधियानवी साहब और बड़े अकाबरीन जो हैं वो गुजर चुके हैं, और ये जितने भी हमारे सारे शायर हैं ये हमारे मोहसिन हैं। मैं इनकी हर नात जब ये पढ़ता हूँ उसमें नए नए मजामी नस करता हूँ। और ये जो उन्होंने कहा कि मेरे तीन बेटे हैं, तो जिस जगह पे भी जहाँ पे भी बेटे हैं सारे बेटे वो नात और लिखने वाले आप ही के बेटे हैं, कभी इस पर फिक्र फकर नहीं करते। अल्लाह ताला ने एक चिराग जलाया है, वो हम ना होंगे तो कौन चिराग को जलाएगा, और ये नात का चिराग सर फहरिस्त है जबकि तमाम असनाफ में से सईदुल असनाफ है ये नात जो है। तो बहुत ही मुझे खुशी है कि ये रवायत और आगे बढ़ी है, और ख़ास तौर पर जब यूनिवर्सिटियों में बड़े कॉलेजों में भी फुकदान है ऐसी तबीयत का, बहुत ही एक बाबरकत मजलिस है जिसकी मुझे बड़ी खुशी है। नए बाद शायरों को सरनाबाद पुराने लोगों की चीज़ें सुन सारी। मैं दो चार शेर और गद्दे पढ़ता हूँ कि रसूल पाक की शान करम को देखते हैं, बसत हज़ार तशक्कुर हरम को देखते हैं, और सलाम कहते हुए हम न देख पाए मगर जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। और एक नात बड़ी पुरानी सुना दूँ आपको कि मिसाल खुल्द महकता है गुम्बद खजरा, मराकबे में हमकता है गुम्बद खजरा, और समेट लाए हैं आँखों में मंजले रुखसत, अब आंसुओं में झलकता है गुम्बद खजरा, समेट लाए हैं आँखों में मंजले रुखसत, अब आंसुओं में झलकता है गुम्बद खजरा, नहीं जो अर्शे मौला पे लौह कुर्सी की वो शान फर्श पे रखता है गुम्बद खजरा, और किसी मकाम में भी ऐसा मकी नहीं होगा इस इफ्तखार में यकता है गुम्बद खजरा, और मुबारक अर्ज़ मदीना के ज़ाहिर हो तुमको करम की आंख से तकता है गुम्बद खजरा, और दुआ जो मांगते हैं आपके वसीले से हथेलियों पे चमकता है गुम्बद खजरा, सलाह से देखिए तो खात्मे ज़मीन में रियाज नगी की तरह दमकता है गुम्बद खजरा।